Okay, assalamu alaikum. Now we've got a bit of a noisy background. Okay, so आज जो है हम एक सीधी सलवार कटेंगे. ये कपड़ा जो है ये तकरीबन कितना होगा, ढाई फुल नहीं है लेकिन सवा दो से ज़्यादा है. तो अक्सर ऐतराज़ होता है स्पेशली जब हम सीधी सलवार कुंदों वाली सलवार बनाते हैं और उसके साथ कुमन से हेलो. जब हम कुंदों वाली सलवार बनाते हैं तो अक्सर जो बड़े लोग होते हैं और सलवार कुंदों वाली पहनते हैं तो उनका एतराज़ होता है कि यह सलवार का गैर जो है इस कपड़े से नहीं बनता. तो यह 45 इंच का जो आम तौर से कपड़ा बिकता है उसमें हम कटिंग कर रहे हैं और ये कलियों वाली सलवार बनाएंगे. और इसमें सिर्फ जो है दो कलियाँ हमने डालनी हैं. जो यहाँ से जो इधर से कपड़ा निकलेगा उसको हम उल्टा करके यहाँ कलियाँ डालेंगे. तो कपड़ा थोड़ा सा कम है और यह कपड़ा नहीं कम पड़ता अगर हम इस पर बेल्ट लगाते, बिकॉज सलवार फुल ही भारी होगी. तो इसका जो है थोड़ा सा जो है तकरीबन 3-4 इंच जो है यहाँ कपड़ा आएगा जो हम बाद में ऊपर की तरफ टर्निंग कर लेंगे. तो इसका सलवार का घेर जो है वो हम 25 इंच हमने रखा है. सो टोटल विड्थ जो सलवार का होगा वो 50 इंच होगा, आधा जो है वो 24 है और लंबाई जो है इसकी मैंने मीटर रखी है. ये मुझे तैयार जो है वो तकरीबन 37.5-38 तैयार चाहिए. तो पोंचे के लिए मैं हम अलादा लेर लगाए कपड़ा लगाएंगे और आसन जो है इसकी हमने 15 इंच रखी है. पुत्र घुमिया इतने आ मेरे को आबार मजा आबार नया वेखा आ वेखा नया नहीं पहनी है क्या करेंगे हम इसको इधर से लेकर इधर तक तो निशान लगाए हैं जी पुत्र. ओह ओ बिल कह रही है इसका की नाम है चिंपा मियाँ. ये तो सिंपा नहीं है आज हमारा ऑडियंस है ये है इस्माइल जो इधर खड़ा होकर देखेगा कि हम क्या करेंगे. ठीक है मतलब दबाव ही नहीं बटन. ओके सो ये हमने नापा है इसको फुल मीटर और यहाँ पोंचों के लिए मैंने इसका पोंचा मैंने रखा है 10 इंच. सो 10 इंच पर निशान लगाकर सीधी लकीर लगानी है और फिर इसके बाद हमने 25 इंच हमने रखकर इसको यहाँ निशान लगाना है और फिर हमने रूलर लेकर इसको यहाँ 18 इंच मेजर करके यहाँ लगाना है. सो ये डिस्टेंस जो है इधर और इधर ये दोनों सेम होनी चाहिए यानी ये बराबर होनी चाहिए और फिर हमने रूले को यहाँ रख कर इधर सीधी लाइन लगा लेनी है. Hey, why are you crying? और यही रूला जो है ये हम स्ट्रेट लाइन यहाँ लेकर तक लेकर जाएंगे और जितना इधर कपड़ा कम है इतना ही हमने इधर रखना है और ये जो है लंबाई में वो हिस्सा जो है वो कम आ रहा है. तो हम जब इसको कटिंग कर लेंगे इसको टर्न करेंगे तो ये तकरीबन इस जगह से इतना शॉर्ट आएगा. तो इधर जो है फिर हमने एक्स्ट्रा पीस लगाना है जी बुतो. ओके नानी नहीं सलवार है अला नानी नहीं सलवार है किसने पता ही सलवार है मामा नहीं नहीं नानी नहीं गए मामा नानी नहीं नानी यहाँ से सलवार खड़ के तू नानी यहाँ से सलवार खड़ से ये तू पाकिस्तान आ वैसे ना तू पाकिस्तान में ऐसे ये पार कहाँ वैसे और पार कहाँ किस नाल वैसे किस नाल पारो कहाँ वैसे दादी नाल किस नाल वैसे मामा मामा नाल वैसे. ओके तो नायक दोरा हाँ नायक किधर है नायक स्कूल गई है नाया तो सुलेमान किधर है सुलेमान
सुलेमान के दुरे सुलेमान के थे डुबन का आ रहे और आए थे हारिस के दुरे लंदन आंटी ने कहा हारे और आए थे आडम के दुरे लंदन आंटी ने कहा रे ओके ते ताना मामा के दुरा ताना मामा पाम है पाम पाकिस्तान और आए ताना मामा पाकिस्तान ते और कौन है बेबी के दुरा बेबी जुम्मा मामा यूसुफ मामा ने कहा रे बेबी ओके ओके ते इस्माइल के थे वे दादी शापा जी ओके वेरी गुड सिंबा के दरे सिंबा गार्डन गार्डन है सिंबा ओ ते बाबू के दरे बाबू डाउनस्टेयर्स इन द शॉप ते यशी चाचा के दरे लक्की चाचा लंदन ओ लंदन आंटी ने कहा रहे हो रहा है एंड और कौन है और कोई भी नहीं ओके सो नाउ दैट्स द अल्टरनेटिव वो बदल कर हमने यहाँ रख दिया है ओ नो तो अभी ये जो कपड़ा ये है जो कपड़ा जो बचा है हमारा फालतू तो इसमें हम इससे हमने यही पीस निकाल कर इधर ऊपर डालना है स्टॉप इट व्हाई आर यू क्राइंग मामा याद आया मामा कॉल में ना है जी वो तो तू सिंबा का की है मैं सिंबा सिंबा कॉल तू है ना है ओके डैडी जी वो तो ओ दैट्स नॉट गुड मीन मामा मामा ये पीस आ गया यहाँ के लिए और ये जो फालतू बचा है इससे हमने निकालने हैं टू पीसेस जो हम डालने हैं पोंचों के नीचे व्हाट्स द मैटर बेबी डैडी मामा वेल योर मामा इज गॉन अपस्टेयर्स योर मामा इज गॉन अपस्टेयर्स ओरा यू गो अपस्टेयर्स टू योर डैडी जी टिम्बरविक लुक ओ शी ना व्हेयर आर यू सिम्बा Simba's not there. I can't see Simba there. Can you see Simba there? Garden. Garden. Daddy, Simba garden. Simba garden. Daddy.